dear students, in this module we are going to discuss remarriage and step families. शादी के बाद जब डाइवोर्स होती है तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन के ऊपर बरामद होते हैं सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो री मेरिज की सूरत में जो स्टेप फैमिलीज़ की प्रोडक्शन होती है और उन स्टेप फैमिलीज़ के अंदर बच्चों की सोशलाइजेशन का अंसर होता है तो हमें ये देखना है कि कैसे डाइवोर्स विच आर लीडिंग टू री एंड देयर बाय विच आर मेकिंग द स्टेप फैमिलीज एंड हाउ दीज री एंड स्टेप फैमिलीज आर अफेक्टिंग द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन सो फॉर्मली स्पीकिंग री मैरिज रिफर्स टू द एक्ट ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन आफ्टर आ प्रीवियस मैरिज हैज़ एंडेड एंड स्टेप फैमिलीज़ आर

बच्चे जो हैं उनकी तरबियत का मामला जो है वो किस तरह से देखा जाता है कौन क्या रोल प्ले करता है और किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि उन बच्चों की तरबियत के ऊपर रिफ्लेक्ट uh, होते हैं इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल री मैरिज इज़ जनरली मोर एक्सेप्टेबल फॉर मैन दैन वेमेन पर्टिकुलरली इफ़ वेमेन हैव चिल्ड्रन फ्राम द प्रीवियस मैरिज तो चूँकि पाकिस्तान में इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रिगार्डिंग द सेकेंड मैरिज ऑफ वेमेन तो उसको थोड़ा मुश्किल पेश आती है ख़ास तौर पर अगर उसके पिछली शादी से बच्चे हों तो उन बच्चों के एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो बहुत मुश्किल पेश आती है तो सोसाइटी के अंदर जो इस तरह के एटीट्यूड्स हैं उनकी शिफ्ट या उनके अंदर तब्दीली लाने के लिए सोशालोजिस्ट को ये देखना पड़ता है स्टडी करना पड़ता है कि किस तरह से ये पैटर्न इमर्ज होते हैं और उनके अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इस तरह के बिहेवियर्स जो हैं वो टैबू की सूरत इख्तियार कर लेते हैं या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं मिसाल के तौर पे क्या रूरल एरियाज़ की फ़ैमिलीज़ के अंदर ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ इसी तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इस तरह की फैमिली फॉर्मेशन के बाद बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर तो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जिनके हवाले से सोशोलॉजिस्ट जो हैं इस तरह की रिसर्च में इंगेज हो सकते हैं ख़ास तौर पर जब री मैरिज और स्टेप फैमिलीज़ का इफ़ेक्ट जो है बच्चों की तरबियत बच्चों की शादियाँ और फिर उसके बाद उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके ऊपर देखने के लिए और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब हम री मैरिज और स्टेप फैमिलीज़ की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट रिपरकशंस हैं डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं जैसे इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशंस हैं वो इस हवाले से क्या हैं कौन सी ऐसे हैं या कौन सी ऐसी एथनी हैं जिनके अंदर री मैरिज को आसान बनाया गया है और कौन सी एथनी हैं जिनमें री मैरिज जो है वो मुश्किल है और इसी तरह से स्टेप फैमिलीज़ के अंदर या स्टेप चिल्ड्रन को जो है वो किस तरह से देखा जाता है और उनकी तरबियत के लिए जो है कौन से ऐसे बुनियादी करैक्टरस्टिक्स हैं जो कि उनकी तरबियत में अहम रोल प्ले कर सकते हैं